हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जैसा कि कल मैंने वो जो सूट का व्लॉग दिखाया था, मुझे खादी का सूट बहुत अच्छा लगा। तो मैं पिछले लास्ट जब से जॉब कर रही हूँ, मतलब लास्ट 3 इयर्स से, मैं सिर्फ वही ट्रेंड्स की कुर्तियाँ, बीबा की कुर्तियाँ, बस कुर्तियाँ ही पहन रही हूँ। तो मैंने सूट पहना नहीं, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था ना कि कौन सूट सिलाए, फिर ये है वो है, दुनिया भर का काम रहता है। तो बढ़िया, मतलब रेडीमेड लेगिंग्स परचेज किया और कुर्ती दुपट्टा ले लिया मैचिंग, बस वही पहन के गई हूँ। बट अब वो मुझे थोड़ा सा कॉमन सा लगने लगा, क्योंकि सभी वैसे आते हैं। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा लुक डिफरेंट किया जाए, तो मैंने जो पैंट बनवाई थी वो मुझे बहुत पसंद आई है। तो फिर मैंने पहना था तो मेरे ऊपर अच्छा भी लग रहा था। फिर इन्होंने बोला कि चलो तुमको और दिला देते, तो मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या है। तो मैं दिखाती हूँ, मैं अभी ज़्यादा सूट नहीं लेके आई हूँ, अभी कुछ ही लेके आई हूँ। तो वो मैं दिखाती हूँ कौन कौन से लाई हैं। हालांकि जैसे घर में बनी रहती हूँ बिल्कुल वैसी ही हूँ, कोई भी आर्टिफिशियल नहीं हूँ मैं कि कभी भी रेडी हो जाऊँ, कभी भी शूट करूँ रेडी होके, तो वो मुझसे नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। और ठंड में बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है कि आप रेडी हो, कपड़े चेंज करें, फिर दोबारा से चेंज करें, फिर खाना बनाना, तो बहुत काम रहता है। तो नंबर 1 जो मेरा सूट है वो ये है खादी कॉटन में। तो ये क्रीम कलर का मैंने लिया है, प्लेन है पूरा, बस इतनी सी गले में डिजाइन है। और ये है इसका पैंट का कपड़ा, नेवी ब्लू कलर का, और थोड़ा सा कंट्रास्ट में दुपट्टा है। दुपट्टे का कपड़ा भी बहुत प्यारा है। तो मैं बता दूं, मैंने ये सूट हरदोई में आतुल ब्रदर्स शॉप से लिया है, मुझे वहां का मतलब अच्छा लगता है। मैं सभी साड़ियां वहीं से लेती हूँ और काफी रिजनेबल प्राइस में मिलता है वहां पे। और नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ, ये है नेवी ब्लू कलर में। सब मैंने प्लेन ही लिया, मुझे प्लेन ही पसंद है। तो ये गले में डिजाइन है, बाकी ये पूरा सूट प्लेन है, हल्का सा शाइनिंग है, ये भी खादी कॉटन में ही है। और इसका पैंट इसका इस कलर में है। मतलब मैं पैंट बनवाऊंगी, आप कुछ भी बनवाइए, वो आपकी मर्जी है। तो ये इस कलर में है। और दुपट्टा थोड़ा सा डिफरेंट, ब्लैक और गोल्डन में है, थोड़ा सा कंट्रास्ट में ही है दुपट्टा वगैरह। ये है दुपट्टा। तो 2 सूट मैंने दिखा दिए हैं, अब जो लास्ट आता है ये थोड़ा सा कॉस्टली है। ये पता नहीं कौन सा कपड़ा है, मुझे नहीं पता। ये मुझे मतलब जैसे बाकी के कंपैरिजन में कॉस्टली है, वैसे कॉस्टली नहीं है। ये मेरा 2000 का कपड़ा है और प्लेन है वाइट, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट है इसका कपड़ा, प्लेन वाइट है। और इसका ये पैंट का कपड़ा जो है वो भी बहुत ही सॉफ्ट है। और इसमें मुझे अस्तर भी लगवाना पड़ेगा, ऐसे नहीं पहन सकती मैं इसे। ये इसका पैंट का कपड़ा है और दुपट्टा भी सॉफ्ट शिफॉन टाइप में है, बहुत कोई वैसा नहीं है, सिंपल सा ही दुपट्टा है। तो मुझे पैंट पसंद आई, तो मैंने सोचा एक ब्लैक पैंट उस सूट के साथ मेरी बन गई है, तो मैंने एक वाइट ऐसे थान में से कपड़ा ले लिया है, 1.25 मीटर मैंने ले लिया है अपने लिए। तो इसका वाइट पैंट बन जाएगा, तो मैं कुर्तियों के साथ पहन सकती हूँ। तो इससे मेरा थोड़ा सा लुक चेंज होगा, जो वही मतलब कुर्तियाँ लेगिंग्स, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न आएगा। तो अगर ये मेरे ऊपर अच्छा लगता है, पहन के जाती हूँ, अगर कंफर्ट फील आता है, तो फिर मैं और भी लूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने 3 ही लिए हैं, 3 क्या, इसके पहले भी लेके आई हूँ 2, वो मैंने नहीं दिखाए अभी, वो भी पहनूंगी। तो ये सब है, हस्बैंड गए हुए हैं जिम, क्योंकि वो मॉर्निंग में नहीं गए थे। मैं आजकल नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आलस आ रहा है ठंड में, इस वजह से मैं नहीं जा रही हूँ। देखती हूँ कब आलस ख़त्म होता है, तब तक मोटी हो जाऊँगी फिर से और फिर दोबारा से जिम करूँगी। तो ये रहा मेरा सूट का कलेक्शन, जो अभी मैंने न्यूली परचेज किया है आज के आज। और बाकी मेरे पास जो भी मतलब मैंने ट्रेंड्स का कलेक्शन है, मेरे पास ट्रेंड्स का बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन है, कुर्तियों का, कुर्तियाँ लेगिंग्स सब मेरे ट्रेंड्स की हैं। तो वो मैं एक दिन सारी दिखाऊंगी प्रॉपरली,
और डब्लू का भी कलेक्शन दिखाऊंगी, वीवा का भी कलेक्शन दिखाऊंगी और बाकी जैसे जो सिल्क पैटर्न्स में है वो भी। तो मेरे यहाँ क्या है ना, थोड़ा सा जगह कम है यहाँ पे, तो मुझे सामने जो भी मिलता है मैं बस पहन लेती हूँ। कपड़े मेरे पास बहुत रखे रहते हैं, खरीद के लाती हूँ बस रख देती हूँ, तो इजी जो सामने मिलता है बस वही पहना और चल दिया, बस मेरा यही रहता है। अगर मैं इसको निकालूं फिर रखूं तो बहुत नाटक रहता है। तो ये था आज का, और आज है मंडे, तो आज मैं ऑफिस नहीं गई थी क्योंकि जैसा सबको पता है 50% चल रहा है स्टाफ का रूल, तो एक दिन मैं जाती हूँ एक दिन दूसरा स्टाफ जाता है, तो यही सब चलता रहता है। तो मुझे थोड़ा सा आराम है इस समय, पता नहीं कब तक ये आराम मिलेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता है, रेस्ट करती हूँ, एंजॉय करती हूँ, अपना चिल करती हूँ, थोड़ा मूवीज वगैरह देखती हूँ। तो मूवीज से याद आया थे कि वो जिस दिन डिज्नी हॉट स्टार पर रिलीज हुई थी तड़प मूवी, वो मैंने देखी, वो रियल स्टोरी है और हम दोनों को तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि हम लोग को लव स्टोरी बहुत पसंद आती है मूवीज में, तो बहुत बढ़िया लगी मुझे। तो मतलब शुरू में स्टार्टिंग में लगेगा 20-25 मिनट ही थोड़ा सा बोरिंग है, बट हाँ वो अच्छी मूवी है, लास्ट में आपको सस्पेंस समझ में आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ जब आप ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड मूवीज देखते हैं ना तो उसका अलग ही मज़ा रहता है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर लीजिएगा। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।